हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ वेज मंचूरियन की रेसिपी शेयर करूंगी। टेस्ट एकदम डिलीशियस होगा एंड बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो टेक्सचर एंड फ्लेवर भी मार्केट में मिलने वाले मंचूरियन जैसा ही आएगा। एंड आप भी इस यमी रेसिपी को ईजिली अपने घर में बना के इंजॉय कर सकते हैं, वो भी बहुत लेस इन्ग्रीडियंट्स में। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने ये कैबेज लिया है, इसको इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसको बारीक कट भी कर सकते हैं। ये मीडियम साइज़ का कैबेज था जिसको मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून क्यूमिन पाउडर, हाफ़ टी स्पून ये ब्लैक पेपर है, थोड़ा सा ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, इसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। ये मैंने बेसन लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने हेल्थ को कंसीडर करके ये बेसन लिया है, मैदा अवॉइड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इन्ग्रीडियंट्स को तरीके से, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जो कॉर्नफ्लोर और बेसन है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, इस तरीके से डो की फॉर्म में लाना है। एंड थोड़ा सा मिक्सचर लेके इस तरीके से बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। एंड ये मैंने फ्राई होने के लिए डाला है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। एक बॉल को बना के पहले चेक कर लेना है, फटे नहीं बॉल, इस तरीके से सारी बॉल्स को भी फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से बीच बीच में चलाते रहेंगे। अभी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मैं निकाल ले रही हूँ। इस तरीके से मैंने निकाल लिया है और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद में इसको दोबारा फ्राई करेंगे जिससे कि ये बहुत ज़्यादा क्रंची बनेगी। ये देखिए ठंडी हो चुकी है, इसके बाद मैं ये दोबारा इनको फ्राई कर रही हूँ। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। इस तरीके से दोबारा इसको फ्राई कर लेंगे जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, एकदम जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, एकदम क्रंची उसी तरीके से। ये मैं निकाल ले रही हूँ टिश्यू पेपर पे। ये फ्राई हो चुकी है। ग्रेवी के लिए मैंने ये पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, थोड़ा ये क्यूमिन सीड, ये गार्लिक लिया है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है गार्लिक को। इसको सॉटे कर लेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। ये ग्रीन चिली है, थोड़ा सा मैंने ये अनियन, इसको इस तरीके से चॉप किया है, इसको भी इस तरीके से रोस्ट करना है 30 सेकेंड्स के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है। देखिए बस इसी ऐसे ही रखना है। ये कैप्सिकम है, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर है, सॉल्ट ऐड किया है थोड़ा सा। सॉल्ट ऐड करते टाइम याद रखना है, जो सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे उसमें भी सॉल्ट होता है, तो थोड़ा कम क्वांटिटी में ही यूज़ करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से भून लेंगे 30 सेकेंड के लिए।
ये सॉसेस में मैंने ये टमेटो सॉस लिया है, थोड़ा सा ये रेड चिली सॉस है, सोया सॉस है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा तीखा खाना है तो आप थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं रेड चिली सॉस को। अच्छे से पका लेंगे इसको। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर रही हूँ। वाटर ऐड करने से इसकी कंसिस्टेंसी पतली हो गई है, ये देखिए। इसको थिक करने के लिए मैं ये कॉर्नफ्लोर का थोड़ा सा ये मिक्सचर तैयार किया है, इसको ऐड करेंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा सा ऐड करेंगे जिससे कि जो ग्रेवी है इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे इसको। ये देखिए जो कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है। ये पक चुका है अच्छे से। इसमें अभी जो फ्राइड मंचूरियन बॉल्स थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ में और इस तरीके से इनको चलाते रहेंगे जिससे कि ये जो ग्रेवी है मंचूरियन बॉल्स में एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए, और इसको गरम गरम बना के ही सर्व करना है। थोड़ा सा मैं ये स्प्रिंग अनियन इसको भी ऐड कर लिया है मैंने और गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। ये लीजिए, गर्मा गर्म मंचूरियन बन के तैयार है। इसको गर्म गर्म में ही सर्व करें। आप एक बार इनको फ्राई करके रख लीजिए, जब भी आपको तैयार करना हो तब, दूसरी बार तभी फ्राई करें जब आप इसको किसी को सर्व करना हो, सर्व करके तुरंत बना के उसको दे सकते हैं। ये देखिए बहुत ही एक, देखिए आप एकदम मार्केट जैसा फ्लेवर है। आप, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।